हमारी जो हिंदू संस्कृति है, हिंदू परंपरा के अनुसार वैसे तो जो सनातन धर्म में जो नए साल जो शुरू होता है वो चैत्र गुड़ी पड़वा से हम लोग मानते हैं उसकी शुरुआत, किंतु एक परंपरा ढल चुकी है और मन चुकी है, इसलिए हमारे यहाँ सर्वधर्म संभाव की व्यवस्था है, इसलिए हम इसे भी एक नया साल के रूप में मनाते हैं। तो वैसे ज्योतिषी दृष्टि से ये नया साल जो है वो बहुत सारे परिवर्तन लेके आएगा, उसका आगाज आप देख चुके हैं, दिसंबर से ही हो चुका है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से इसमें बहुत सारे परिवर्तन रहेंगे। देखिए इस बार सबसे बड़ी बात आ रही है, तकरीबन करीब 101 साल बाद ये घटना हो रही है कि इस पूरे वर्ष में तकरीबन सभी 9 ग्रह, छोटे ग्रह हैं वो तो राशि परिवर्तन करेंगे ही, हर महीने करते हैं, हर 1.5 महीने में करते हैं, किंतु सभी बड़े ग्रह भी इस वर्ष में राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से ज्योतिषी गणना के अनुसार सभी राशियों पर उसका कुछ ना कुछ असर तो होना ही है। जो प्रमुख ग्रह हैं जैसे राहु है, केतु है, जो 1.5 साल में राशि परिवर्तन करते हैं, गुरु जो है 13 महीने में करता है, लेकिन इस वर्ष सभी ग्रह जो हैं अपना राशि मूल राशि छोड़कर दूसरी राशि में प्रवेश करेंगे। देखिए शनि का राशि परिवर्तन 26 जनवरी को हो रहा है, 12 अगस्त को गुरु का राशि परिवर्तन होगा, साथ में राहु और केतु का भी हो रहा है, तो सभी इन राशियों पर कुछ ना कुछ उसका सभी का अच्छा या बुरा प्रभाव, कुछ राशियां ऐसी रहेंगी जिन पर उसका जो प्रभाव है वो शुरुआत में रहेगा, वर्ष की शुरुआत में रहेगा, कुछ राशियां ऐसी रहेगी जिनका जिनका प्रभाव जो है वो वर्ष के मध्य में रहेगा।